एक गोदी मीडिया वाले ने क्या कहा इसको हर्षदीप को कि आप किसान जींस डालता है। आतंकवादी बता रहा हमें, वो हम आतंकवादी है, यहाँ रिपोर्टिंग करे आगे, शर्म करो गोदी मीडिया, शर्म करो, शर्म करो, तुसी डुब के मर जाओ। इन्हां तीन चैनलों नू इन्हां नू कोई इंटरव्यू ना दियो। देश में किसान काफी दिनों से धरने पर बैठे हैं। मीडिया में किसानों के लिए जो कुछ भी कहा जा रहा है उससे किसानों के दिल में गोदी मीडिया के लिए काफी गुस्सा है। जब भी गोदी मीडिया का कोई भी पत्रकार किसानों के पास जाता है तो उसे भगा दिया जाता है। आज तक का एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें जब आज तक का पत्रकार एक किसान से बात कर रहा था कि आपको प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा क्यों नहीं है, तब उस किसान ने प्रधानमंत्री मोदी पर ना भरोसे की बात की, जिसके बाद एंकर ने शो ही खत्म कर दिया। यार बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा मन जो है गंगा जल जैसा निर्मल है, ये कानून भी इसी तरह का है, भरोसा क्यों नहीं कर रहे आप लोग जो पूरी सरकार कह रही है? देखिए प्रधानमंत्री जी के भरोसे की जो आप बात पूछ रहे हो, इसके लिए तो मैं आपको बता दूं, आप याद पीछे जाइए थोड़ा, नोटबंदी के वक्त भी मोदी जी ने यही कहा था पूरे देश को। बिल में ऐसा क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ, उनके विश्वास की बात पूछ रहे हो आप। और अभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता देते हुए भोपाल भी आपको लेकर चलेंगे। अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे सहयोगी जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। देश भर के किसानों की क्या है आवाज, इस वक्त जो बैठक चल रही है सरकार से क्या है उनकी डिमांड, और ये जी न्यूज के पत्रकार ने खालिस्तानी एंगल लाने की कोशिश की और किसी ने किसान आंदोलन को आतंकवाद से भी जोड़ दिया, जिसके बाद किसान गुस्से में आ गए। जब जी न्यूज के पत्रकार किसानों के पास बात करने पहुंचे तब किसानों ने उन्हें भगा दिया। ये जी न्यूज वाले का लाइव वीडियो आप देख रहे हैं, इनको भी यहाँ से भगाया जा रहा है। सुधीर चौधरी को क्या कह रहा था, आतंकवादी बता रहा था हमें, वो हम आतंकवादी हैं, यहाँ रिपोर्टिंग करे आगे, जरूरत नहीं है यहाँ से आने की। कोई भी किसान आंदोलन नहीं दिखा रहा है, कोई भी नहीं दिखा रहा है, एक भी नहीं, सारी गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। वो देव दीपावली मना रहे हैं प्रधानमंत्री देश में, देव दीपावली की चिंता है, वहाँ है सारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये तुम्हारे अमित शाह, ये जाके वहाँ हैदराबाद में नगर निगम के प्रचार में भारी प्रताप भाकुरन नहीं हो रहा, किसानों का पीछे पड़े हुए हाथों काम करते हैं। बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले सुधीर चौधरी मुर्दा वाल पता ही, आतंकवादी कहियो से जाके सारा हमारा आंदोलन तोड़ रहा है, और दिखा देने आओ मत यहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से गोदी मीडिया, कौन सा चैनल, किस चैनल, जी न्यूज बताता है सुधीर चौधरी और कहता है आतंकवादी है, वहाँ से किसान नहीं है, खालिस्तान बोलते हैं। कांग्रेस वालों ने बरगला रखा, तू बरगला ले मुझे आके, अगर तू बरगला देना मुझे तेरे टांग नीचे भी कर दूंगा, मैं भी जाटूंगा वो भी जाट है, चूतिया बना रहा हमारा। मीडिया पिछले काफी समय से सरकार की फेवर करता आया है, जिसके बाद लोग पहले ही गोदी मीडिया से नाराज थे। अब किसानों के मुद्दे को डाइवर्ट करने की जो कोशिश मीडिया ने की, इसके बाद किसानों का जो भी गुस्सा है आपको हम दिखा रहे हैं। अब आप इस किसान की बात भी सुन लीजिए जो ये बता रहा है कि बायकॉट क्यों किया जा रहा है और किन चैनलों को किया जा रहा है। समझो खालसा का मतलब सच होता है, प्योर होता है, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट द इनोसेंट पंजाबी पीपल, यू गाइस थिंक वी आर फूल, वी आर द पीपल बिकॉज ऑफ होम यू गेट द फूड इन योर प्लेट्स, ओके, एंड ट्राई टू रिमेंबर दैट वी आर द पीपल, जे असी तुसी तुहानू लगदा ना असी रोटी खाने तुसी पीजे खांदे हो, ओ तो थोड़े पीजे भी साडे मक्के नाल साडे मैदे नाल बणदे, जे किसान ने मक्का ते मैदा खाना बंद करता ना तो तुहाडे पीजे बर्गर भी खत्म हो जाने जे, ते इस करके डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट द इनोसेंट पंजाबी पीपल। मैं सारे वीरां नू बेनती करदा जे नाम ले दो, क्योंकि लोग मैं देखो जी तुहानू डर हैगा, आपां टैक्स पे करदे आ, असी किसान हैगे आ, असी किसानां दे पुत हैगे आ, असी टैक्स पे करदे आ, ए तीन चैनल दे जी न्यूज़ रिपब्लिक
आज तक इको सा मैडम हैगी बड़ी सोहनी सनखी रब नु समत बखे सच्चे पातशाह ओनु अकल दे अंजना ओम कश्यप ओ बीबी पता नहीं की बोलदी है वाहेगुरु तेरे भी बच्चे हैगे ने तू भी मर जाने बीबी ओ शर्म कर शर्म तू सदा वास्ते यू आर नॉट इमोर्टल यू हैव टू डाई वंस यू हैव टू लिव वंस देखो तुसी जिंदगी च आयो दिस इज अ जर्नी ऑफ अ ट्रेन जेड़ा इस जर्नी च आया उन्हें जाना है जो आया सो चलती साडा बाबा कह गया सी 550 साल पहला तुहानू हजे तक अकल नहीं आई ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੋ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕੁਚਲਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਟੇ ਲਾਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਡਮ ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਦਾ ਕਿ ਕੈਸਾ ਕੈਸੀ ਸਰਾਉਂਡਿੰਗ ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਆਪ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਆਪਸੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੀ ਆਪ ਹਮਕੋ ਵੀ ਕਿਸੀ ਨੇ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਆ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਬਾਈ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਚੀ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਦਿਓ। जब न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार ने कुछ किसानों से गोदी मीडिया के विरोध को लेकर बात की तब किसानों ने बताया कि मीडिया किस तरह से आम लोगों को गुमराह करता है। जो नेशनल मीडिया है ना वो यहाँ किसानों के हक की बात पहुँचाने के लिए नहीं आते, वो यहाँ से उन लोगों से पाइट लेते हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं जिनको इतना मालूम नहीं है, उनके सामने जाके माइक कर देते हैं, वो बेचारे जज्बात में कुछ कह देते हैं, उसी बात को घुमा घुमा कर इस आंदोलन के एंटी चलाकर इसको खराब करना चाहते हैं। एक एक गोदी मीडिया वाले ने क्या कहा इसको हर्षदीप को कि आप किसान जींस डालता है। अच्छा ऐसा बोलो, ये सवाल है किसान हो तो आप जींस कैसे डाल रहे हो? अच्छा कल एक दीप सिद्धू हमारे भाई हैं पंजाब से, उन्होंने ना इंग्लिश में बात कर ली, केरला का कोप था कोई, यहाँ केरला का था या सीआरपीएफ कहाँ से था वो, उसको हिंदी नहीं आती थी तो उसके साथ उसने इंग्लिश में बात कर ली, वायरल हो गया वीडियो। वो वायरल हो गया, ये जी न्यूज वाले घुमा रहे हैं। अच्छा किसान है तो इंग्लिश कैसे बोलता है ये? एंड आई टॉक इन इंग्लिश, आई एम सन ऑफ फार्मर, डोंट इंटरप्रेट दैट किसान आर स्टूपिड, फार्मर्स आर स्टूपिड, वी आर नॉट स्टूपिड। इस वक्त किसानों का आंदोलन काफी जोरों से चल रहा है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वे ये सब जारी रखने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।